हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी सही सलामत होंगे। आज मैं मेथी का पराठा बनाने जा रही हूँ। देखिए कितना अच्छा ये सॉफ्ट पराठा बना है और बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। इसके साथ ही मैंने धनिया की चटनी बनाए हैं। और मेथी जो है सर्दियों में खाना चाहिए, बहुत ही फ़ायदा करता है हमारे शरीर के लिए, बहुत ही फ़ायदा होता है करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेथी को बारीक काट लिया है और इसको मैंने धो लिया है तीन चार पानी से। तो इसको धोना बहुत ही ज़रूरी है अच्छे से, क्योंकि इसमें बहुत सारा मिट्टी होता है। तो अगर वो आपके साग में ये चला जाएगा तो बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लहसुन के कली और चार हरी मिर्च लिए हैं और उसको मैं इसी में डाल दूँगी। और मेथी को हमें थोड़ा सा उबालना है यहाँ पर। तो लहसुन और हरी मिर्च मैंने इसमें डाल दिया है और इसमें साथ ही हम डाल देंगे नमक। थोड़ा सा गैस पर चढ़ा दिया है और इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे एक छोटी चम्मच, और इसको हम ढक देंगे और 5 से 7 मिनट के लिए इसको हम पका लेंगे। 5-7 मिनट पका लिया है मेथी को और मेथी हमारा सॉफ्ट हो गया। अब हम इसको ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम इसको पीस लेंगे। तो मैंने थाली में निकाल दिया इसको ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए, और इसके बाद हम इसको मिक्सर जार में डाल करके पीस लेंगे। तो जब तक हमारा मेथी ठंडा हो रहा है तब तक इधर हम आटे में नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार, और थोड़ी सी आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा यहाँ पर हम अजवाइन डालेंगे क्रश करके। इसके बाद हम डालेंगे इसमें कसूरी मेथी, इसको भी हम क्रश करके डालेंगे। इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। आप दोनों में से कोई एक चीज़ भी डाल सकते हो, हरा धनिया चाहे कसूरी मेथी, जो भी हो आपके पास। और उसके बाद यहाँ पर हमने मेथी को पीस करके तैयार कर लिया है। तो इसको मैं इसमें डाल देती हूँ, और सारा जो है ये पेस्ट मेथी का इसको डाल देंगे हम इसमें, और एक्स्ट्रा जो भी है इसमें मिक्सर जार में इसको भी हम धो करके निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर मिक्सर जार को धो करके निकाल लिया है और इन सबको मैं डाल दूँगी इसमें। और अभी इसमें हमें पानी नहीं डालना है बिल्कुल भी, क्योंकि इतना ये पानी से ये आटा ये गूंथ जाएगा। अगर बाद में ज़रूरत होगी तो बाद में हम डालेंगे, पहले इसी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसको मिक्स करते हुए हम मिला लेंगे इसको साग को अच्छे से। और पानी हमें इसमें बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि ऑलरेडी ये साग गीला है। अगर आटा हमारा थोड़ा सा अगर गीला हो जाए तो आप और आटा ले सकते हैं थोड़ा सा, और अगर वैसे इतना में ये हो जाएगा और एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप पहले पानी बिल्कुल भी ना डालें, नहीं तो ये आटा जो है गीला हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आटे को गूंथ करके तैयार कर लिया है, और इसको अच्छे से गूंथ करके पूरे अच्छे तरीके से सॉफ्ट बनाना है इसको। 1 मिनट के लिए इस तरह से मसलते हुए इसको हम सॉफ्ट कर लेंगे। तो आटा हमारा पूरा अच्छा से सॉफ्ट तैयार हो गया गूंथ करके, और अब हम इसका पराठा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर साइड में सूखा आटा ले ली हूँ, और इस तरह से एक लोई हम निकालेंगे और इसको हम आटा लगा करके इसको हम बेल लेंगे। तो मैं यहाँ पर किचन के प्लेटफॉर्म पे ही मैं साफ करके बेल लेती हूँ। इसको इस तरह से बेल करके तैयार कर लेंगे।
और अब हमारा तवा गर्म हो गया है तो हम इसमें डाल देंगे पराठा, और एक तरफ से सिकने के बाद हम इसको पलट देंगे, फिर दूसरी तरफ से हम इसको पलट देंगे, और अब हम इसमें तेल डालेंगे। तो मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल में बना रही हूँ, आप घी में बना सकते हैं या कोई भी ऑयल आप यूज कर सकते हैं पराठे में। इसको चम्मच की सहायता से इसको दबाते हुए हम इस तरह से थोड़ा सा हम इसको क्रंची बनाएंगे, क्योंकि ये मेथी का पराठा जो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ये आटा जो होता है, तो इसको थोड़ा सा हमें ज़्यादा पकाना होता है। इसको हम दबा दबा के अच्छे से इसको क्रंची करेंगे, और अब हम निकाल लेंगे इसको प्लेट में। और मेथी का पराठा जो है गरम गरम ही अच्छा लगता है, आप डायरेक्ट तवा से निकाल के और डायरेक्ट थाली में परोसिए तो खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है गरम गरम। ठंडा होने के बाद इसका स्वाद इतना अच्छा नहीं आता है, तो आप गरम गरम ही परोसेंगे जब ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो दूसरा भी मैं यहाँ पर बना करके तैयार कर ली हूँ, दूसरा भी देखिए इसी तरीके से हम सारे पराठे बना लेंगे, सेम प्रोसेस से हम सारे पराठे बना लेंगे। तेल को हम पूरे चम्मच की सहारा से ऊपर से हम फैला के इस तरह से हम बना लेंगे। इसको सेकने के टाइम ही इसको थोड़ा सा ध्यान देना होता है, चम्मच की सहायता से इसको दबा दबा के हम क्रंची करेंगे। तो बाकी का भी मैं पराठा इसी तरीके से बना ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने 4-5 पराठा मैंने बना लिया है, और इसको मैंने धनिया चटनी के साथ इसको सर्व कर लिया है। तो हमारा सारा पराठा बन के रेडी है, और आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट बना है, और पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।